एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी। दिस इज योर फ्रेंड आशुतोष तिवारी। तो गाइस, एक और न्यू वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों का बहुत ही डिमांडेड वीडियो था। गाइस, आज के बेसिकली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों को जैसे पता है कि आप लोग एग्जामिनेशन में 60% आप लोगों का कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। कि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आप लोग का बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि MCQ हो गया और केस बेस्ड हो गया और भी बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं। गाइस, सारे कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि वो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। CBSE भी कुछ सैंपल पेपर निकाला है, आपको उसमें कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, उसको कैसे डाउनलोड करना, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले अभी तक आप स्टडी विद तरीके सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइबर के बेल आइकन वाले हिट कर लो, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए हम इस तरह का वीडियो चलाते रहते हैं। तो गाइस, सिंपली आपको इसका डाउनलोड करने के लिए आपको CBSE की वेबसाइट पर cbse.link.in पर आपको आ जाना है। और सबसे फर्स्ट वेबसाइट पर आप लोग यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका CBSE का वेबसाइट खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली नीचे आकर के एकेडमी की वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एकेडमी की वेबसाइट पर क्लिक करोगे, उसके बाद सिंपली आप लोग यहाँ पर साइड में देख सकते हो क्वेश्चन बैंक नाम का एक ऑप्शन है। आप लोग जैसे ही क्वेश्चन बैंक पर क्लिक करोगे तो आप लोग को क्लास 10th का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर जैसे ही आप लोग 10th पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सिंपली CBSE अभी तक क्लास 10th का इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस का सैम्पल पेपर कंबिनेशन बेस्ड क्वेश्चन अपलोड कर रखा है। तो भाई चलिए आपको बताते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे आप लोग साइंस पर क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसलिए ओपन होने के बाद आप लोग को बताते हैं कि आप लोग इसमें किस तरह के क्वेश्चन है। तो गाइस, बेसिकली जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका यहाँ पे सिंपली सैंपल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में एक टाइप होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपका साइंस का ये केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। तो गाइस, आपको बता दें कि CBSE फिलहाल में मैथ्स का और साइंस का और इंग्लिश का ये केस बेस्ड क्वेश्चन रिलीज कर चुका है, जो कि आपको बता दिए कैसे देखना है। लेकिन गाइस, आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत 60% आप लोग का कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप लोग को उसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करोगे, क्योंकि आपके NCERT बुक में तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं है। तो गाइस, उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको बता दें कि मार्केट में एडुकार्ट का बुक आया हुआ, आप लोग इस बुक को जैसे ही परचेज कर लेते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो इसमें बेसिकली आपको सारे तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जितने टाइप के MCQ क्वेश्चन होते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन, सारे तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जहाँ से आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली अपने एग्जाम से बहुत ही अच्छे स्कोर करोगे। आपको इसमें टॉपर्स का नोट्स मिल जाएगा, ताकि आपको वहाँ से पता चलेगा कि टॉपर्स अपने एग्जामिनेशन में किस तरह से लिखते हैं, ताकि वो अपने एग्जामिनेशन में इतने अच्छे स्कोर कर पाते हैं। और इसमें और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोग को बेस्ट लर्निंग कंसेप्ट में बेस्ट है। तो गाइस, आप लोग का इसका बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग परचेज करो, इस बुक से प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली बहुत ही अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो गाइस, ये था आपका साइंस का आप लोग का कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि CBSE रिलीज कर चुका है। तो आप लोग यहाँ से इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस, आप लोग इसी तरह से नीचे देख सकते हो कि और भी सब्जेक्ट का दिया गया था पीछे। आप लोग यहाँ पे मैथ्स का और साइंस का भी आप लोग डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हो, और इंग्लिश का भी डाउनलोड करके देख सकते हो। साथ ही इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप लोग डायरेक्ट जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन नहीं हो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहां पे हम ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन डालते रहते हैं, जो कि आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो गाइस, आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर हिट कर लो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर चैनल पर इस तरह का वीडियोज लाते रहते हैं। गाइस, चैनल पर ऑलरेडी क्लास 10th का बहुत सारा टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखे हैं। तो गाइस, आप लोग चैनल पर जाओ, वो सारे क्वेश्चन पेपर का आप लोग प्रैक्टिस करो, अपने अपने टर्म 1 एग्जाम से बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे उस क्वेश्चन पेपर की हेल्प से। तो गाइस, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग